हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है हम लोग का, वो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट वन आज हम लोग करेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी कोई अपने यार दोस्तों को कंफर्म कर दें, क्लासेस लाइव हो गया है। चलिए, तो एक बार सभी कोई कंफर्म कर देंगे, आवाज क्लियर है और वीडियो क्लियर है या नहीं है? ठीक है, एक बार सभी को ही कंफर्म कर देंगे। फर्स्ट, आइए एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सा चीज हमको समझना होगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कुछ बातें यहाँ भी, जिस तरह से सिंपल इंटरेस्ट में हमको कुछ वर्ड से क्या होना था, रूबरू होना था, सेम हम लोग यहाँ भी वही वर्ड से रूबरू होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, संदीप कुमार जी, गुड इवनिंग। जैसे आपका जो वर्ड होगा वो होगा अमाउंट, यहाँ भी होगा प्रिंसिपल, यहाँ भी होगा, ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ भी होगा, सारा चीज यहाँ भी होगा, रेट भी होगा, सब चीज होगा भाई। क्लियर? पंकज कुमार जी, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हमको यहाँ पे देखना होगा। तो आप देखेंगे, आपको यहाँ अमाउंट देखना होगा। ठीक है, अमाउंट के बाद प्रिंसिपल से आपको यहाँ मुलाकात होगी, प्रिंसिपल के बाद आपको रेट से मुलाकात होगा, टाइम से मुलाकात होगा, और इसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई से मुलाकात होगा। क्लियर? अब ये सारे चीज को आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर था वहां पे बताया गया था, इसका बेसिक फंडा। अब यहाँ पे एक हम फॉर्मूला की बात करेंगे, जो अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो आप देखेंगे ए बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू वन प्लस आर बाई, है ना, वन प्लस आर बाई 100 to the power t होता है। क्लियर? दिलीप कुमार जी, गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो सभी को एक बार अपने जो भी आपके साथी कह रहे हैं सभी को कंफर्म कर दें कि क्लासेस लाइव हो गया है। क्लियर? और ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसको बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट बताएंगे। और जितने लोग भी क्लासेस से ज्वाइन हुए हैं, एक बार सभी को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सेशन को शेयर कर लेंगे। प्रिया शर्मा जी, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए तब तक एक बार हम भी सेशन को शेयर कर लेते हैं और आप लोग भी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट, हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है दीपक जी का, ऑप्शन बी है, संदीप का भी है, राम जी कुमार जी गुड इवनिंग, महेंद्र का भी है,
चलिए बहुत बढ़िया। तो कहाँ, देखिए सवाल पहले समझते हैं, मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं। सवाल ये कि कितने वर्ष बाद 10%, ठीक है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए पर 8,275 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब सिंपल सी कहानी, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे ना, कुछ बातें अप्रोक्स भी आप लोग चलना सीखेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप अप्रोक्स बनाए हैं या बिल्कुल परफेक्ट बनाए हैं इससे मतलब नहीं होता है। मतलब वहां पे होता है कि आप जो ऑप्शन रंगे हैं वो ऑप्शन आपका सही है या नहीं है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा, सर ये बात तो 10% की हो रही है और 25,000 रुपए है, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पे तोड़ेंगे, देखेंगे, समझते हैं थोड़ा सा इस तरह से। सर ये है हमारे पास 25,000 रुपए, और जब यहाँ पे 10% की बात हो रही है तो आइए 10% के हिसाब से यहाँ पे पहले हम 3 वर्ष की बात करते हैं, और कैसे करेंगे वो बात बताते हैं सभी को। सर अगर इसका हम 10% यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, तो आपको मालूम है कि सर 25,000 का कोई अगर 10% निकाले तो 2,500 आएगा। अब इस पे भी निकाले तो सर यहाँ भी 2,500 आएगा, और सर यहाँ भी 2,500 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो चीज एक साथ यहाँ पे लेकर चलेंगे, यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट का भी जिक्र करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी जिक्र करेंगे, और दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसके बीच में भी हम लोग यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। अब क्या होगा सर, जो अभी आप देख रहे हैं ना, जो 2,500 2,500 2,500 मिला है, ये तीनों 2,500 को अगर आप ऐड कर देंगे, यानी कि जो टोटल जो आ जाएगा 7,500, वो 7,500 आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, जो यहाँ पे 25 25 जो 25 जो 3 टाइम्स जो दिख रहा है ना, वो तीनों हमारा क्या कहलाएगा, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। और जब सर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होना है, तो हम सबसे पहले वाले जो आप हैंड देख रहे हैं, एरो देख रहे हैं, उस पे हाथ रखेंगे और उससे पूछेंगे, भाई साहब आपका कोई पीछा कर रहा है? तो बोलेगा नहीं, मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा वाले हाथ पे अगर हम रखते हैं, फिर पूछेंगे आपका कोई पीछा कर रहा है? तो हाँ सर मेरा ये पीछा कर रहा है। और इस आदमी से भी हम 10% वसूलेंगे, जब 10% वसूलेंगे तो ये 250 हो जाएगा। अब जब तीसरे वर्ष में जब हम आएंगे, तो सर तीसरा वर्ष में ये इसका पीछा कर रहा होगा, ये इसका पीछा कर रहा होगा, और सर इसका पीछा ये भी कर रहा होगा, तीन लोग इसका पीछा करेंगे। अब सब पे 10% लेंगे तो ये भी हमारा 250 देगा, ठीक है। सर ये तो हमारा कितना दे देगा, 25 देगा, और यहां से हम देखेंगे तो सर ये फिर से हमको 250 दे देगा, क्लियर है। अब कहानी ये होगा यहाँ पे कि सर सभी को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा CI बन जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, CI बन जाएगा। इसका मतलब सर 2,500 वाला मेरे पास सर 3 टाइम्स है, इसलिए 3 से गुना कर देंगे, प्लस 250 वाला सर ये भी 3 टाइम्स है, इसलिए 3 से गुना कर देंगे, और प्लस 25 सर सिंगल टाइम्स है। कंप्लीट जब सभी को ऐड किया जाएगा तो आ जाएगा हमारा 8,275, यानी सर ये बातें सेटिस्फाई कर गया, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यानी सर हम टाइम कितना लेके चले थे, तो टाइम हम 3 साल लेके चले थे, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन हमारा सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन सर क्या इसका और कोई उपाय है, तो हाँ बिल्कुल है। इसका एक बेसिक सा जो फॉर्मूला होता है, आप उस बेसिक सा फॉर्मूला पे क्या कर लेंगे, बना लेंगे, आपका कहानी वहां से भी बन जाएगा, क्लियर। कैसे बनेगा, आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे हम दे रहे हैं, देखिएगा क्या होता है फॉर्मूला, समझिएगा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है कि जब आपको अमाउंट निकालना होता है, तो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T होता है, ठीक है। अब यहां से आप निकाल लेंगे अमाउंट, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे अमाउंट आएगा। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है यहां से देख लेंगे, अमाउंट बराबर होता है सर प्रिंसिपल प्लस CI यहाँ पे कहेंगे, है ना। यानी सर हम यहाँ अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में CI को ऐड कर देते हैं, तो अमाउंट निकल जाता है। और सर हमारे पास जब प्रिंसिपल दे रखा है 25,000, CI दे रखा है 8,275, ये दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे अमाउंट का पता लगा सकते हैं। प्रिंसिपल भी आपके पास है ना, टाइम पता करना है, रेट भी दिया हुआ है, तो सारा चीज यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर। ओके अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और इससे बताएंगे सही आंसर क्या होगा, और ये रहा इसका टाइमर, ठीक
बताएंगे समय के साथ इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, विशेश्वर महतो जी गुड इवनिंग, अंजू कुमारी जी गुड इवनिंग, और लक्ष्मण कुमार गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आपके पास टाइमर भी चल रहा होगा। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आपके पास मात्र 25 सेकंड का टाइम बचा हुआ है। चलिए टाइम आपका फिनिश हो गया। समझिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। क्लियर है? सवाल ये है ना कि कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2,80,900 हो जाता है, ठीक है? तो वह धनराशि ज्ञात करें। महेंद्र जी का यहाँ पे ऑप्शन बी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी नहीं होगा। ये बात को भी समझिएगा सर, इसको हम कैसे करेंगे एक बात समझिएगा। यहाँ पे जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है सर, जब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात आती है, तो चीजों को हम आराम से करेंगे कैसे वो समझते हैं। यहाँ पे टाइमिंग दिया है सर 2 वर्ष का, और रेट दिया है आपका 6% का। आपको ये बात बताए थे जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे कि अगर 6% रेट दिया है और 2 साल टाइमिंग है, तो कहानी ये होता है कि 1 साल में 6% तो सर 2 साल में 12% है ना। 1 साल में 6% तो 2 साल में 12%, बट वो 12% तब होता सर जब ये कहानी सिंपल इंटरेस्ट का होता। लेकिन सर यहाँ तो बात हमसे चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, और जब टाइमिंग 2 साल का है, तो उसका रेट हम लोग ऐसे नया वाला क्रिएट करेंगे कैसे? तो सर जब 2 बार रहता है ना, तो उसको हम लोग 6 + 6 करेंगे, और +6 × 6 करेंगे, और बट्टा में क्या करते हैं 100। इसका एक मस्त वाला फार्मूला होता है। वो फार्मूला का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, a+b होता है, प्लस में ab बटा क्या होता है 100 होता है। इसी फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे हम रेट नया वाला बना लेंगे, और जब रेट बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा 12 और 6 × 36 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 12.36 हमारा नया वाला रेट हो जाएगा। अब हमसे पी पूछा है, यानी कि सर रेट क्या होगा हमें पता नहीं है। क्लियर? रेट पता नहीं है हमें सर, रेट को हम सॉरी रेट नहीं प्रिंसिपल हमें नहीं पता है सर प्रिंसिपल क्या होगा। बट सर प्रिंसिपल का यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 112.36, ठीक है, और बट्टा में प्रतिशत के लिए 100 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,80,900, 2,80,900। क्लियर? यहाँ पे अब समझेंगे कि इसका क्या होगा सही आंसर। सिंपल सी कहानी है ना यहाँ पे सर, डेसिमल अगर हम हटा लें तो क्या मिलेगा? सर डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटेगा मतलब 2 जीरो और सटेगा। क्लियर है? अब सर इसको जब कंप्लीट काटें कि पूरे को है ना इसके साथ, तो सर पूरे कट जाएगा हमारा 25 टाइम्स में, क्रॉस इंटू करा देंगे तो सर हमारा जो पी का वैल्यू आएगा वो 25 पे नीचे से जाकर 4 जीरो लग जाएगा, यानी सर 2,50,000 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है इस चीजों को बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ बिल्कुल सही है, दीपक जी का भी आ रहा है और विशेश्वर जी का भी यहाँ पे ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के ऊपर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन थर्ड, अरे रहा आपके सामने टाइमर। चलिए तो एक बार सभी को इस सेशन को शेयर कर दें, अपने अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दें, जो भी आपके पास सोशल मीडिया का सोर्स है हर जगह पे आप सेशन को शेयर कर दें। चलिए बताइएगा
रामजी कुमार का भी सी आ रहा है और महेंद्र जी का भी सी आ रहा है। ठीक चलिए बताइए, और सभी को एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, क्योंकि जितने लोग क्लासेस से जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक आप लोग नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आ रहा है यहाँ पे, दीपक जी का 5% आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए, महेंद्र का ए एंड रामजी कुमार का भी यहाँ पे ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, शशिकांत मेहता जी राम राम। आइए समझते हैं, हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है वो लिख रखा है कि 40,000 की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्षों में, ठीक है, 44,100 हो जाएगी। हो जाएगी का सेंस क्या होता है ना, कि हो जाएगी मतलब ये हो जाता है हमारा अमाउंट, और हमारे पास जो स्टार्टिंग में दे रखा था वो था हमारा प्रिंसिपल, यानी 40,000 हमारा प्रिंसिपल है। अब बोला है कि हो जाएगी, इसका मतलब ये है ना, सिंपल सी बात, अगर आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने सोचेंगे तो सर ये 44,100 में से क्या करेंगे सर, 40,000 को अगर हम माइनस कर दें हमारा सर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे फाइनली 4,100। क्लियर, कितना मिल जाएगा 4,100। अब आप खुद से सोच लेंगे, थोड़ा भी अगर दिमाग यहाँ पे लगाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप खुद से बाई ऑप्शन भी चीजों को उड़ा लेंगे कि सर अगर 40,000 है मेरे पास तो सर 40,000 का कौन सा रेट पे हमारा सर कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 4,100 बनेगा। ठीक है, कौन से हिसाब से भाई बनेगा, तो वो भी कितने दिन में बोला है, 2 वर्ष में बोला है, कितने साल में बोला है, 2 वर्ष में बोला है। तो आप यहाँ पे 5% जो होगा ना वो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अब 5% कैसे सही आंसर है वो बात को समझ लीजिए, कहानी यह है कि सर 5% ही तो बात हो रही है ना, तो हाँ सर 5% हम लेकर चल रहे हैं, अगर हम 5% लेके चले और 2 वर्ष की बात है, तो अभी जस्ट आपको हम सिखाए थे कि ऐसे लिखा जाता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, 5 + 5 = 10 हो जाएगा, और इधर सिखाए हैं क्या इंटू करके 100 से क्या करने सिखाए हैं, डिवाइड करने। जब यहां से अगर आप एक नया रेट की तैयार करेंगे तो सर नया रेट जो हमारा बन जाएगा वो कंप्लीट यहाँ पे बन जाएगा हमारा कितना, 5 × 5 = 10, यानी सर 10.25 बनेगा। ठीक है, 10.25 बनेगा। अब आप खुद से यहां से सेटिस्फाई करा सकते हैं कि क्या सर ये जो 40,000 है, 40,000 का है ना 10.25% के बदले 100 आएगा, और ये डेसिमल हटाएंगे तो फिर से यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्या सर इसको मतलब सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या सर हमारे पास 4,100 आ जाएगा, तो हाँ बिल्कुल आ जाएगा। आइए करते हैं, सर नीचे का 4 जीरो से ऊपर का 4 जीरो, कहानी क्या हो जाएगा, खत्म। अब आइए 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा कंप्लीट, इधर भी आपका देखने को मिलेगा सर 4,100, और यहाँ भी मिलेगा 4,100। आप देख पाएंगे सर ये बातें प्रूव्ड हो गई, यानी कि सर ऑप्शन जो फर्स्ट है ये बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे विशेश्वर महतो जी, बिल्कुल ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि जो बात है ना आसानी से बनाया जा सकता है, जो बाई ऑप्शन उड़ाया जा सकता है उसको हम लोग बाई ऑप्शन ही उड़ाएंगे, फॉर्मूला पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये रहा आपका टाइमर, इसको बताएंगे सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट एक बार सभी को इस सेशन को शेयर कर दें, आप लोग सेशन को शेयर करने में कोताही ना करें। चलिए दीपक जी का यहाँ पे ऑप्शन ए आ रहा है, और लोग बताएंगे। ठीक
चलिए महेंद्र का भी ए आ रहा है। रामजी जी का भी ऑप्शन ए आ रहा है। देखिए यहाँ पे ना, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ना मोटा मोटी दिमाग लगाना सीखिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। परफेक्ट काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कैसे, आइए सिखाते हैं। सर सिंपल सी कहानी है कि बोला है ना, सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये से कितने वर्ष में 662 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेंगे। एक बात समझिएगा कि अगर सर जब 662 हो रहा है ना और 10% के हिसाब से चलना है, हम अगर डायरेक्ट बोले कि जब 2000 है ना, 2000 को अगर आप 10% करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। डायरेक्ट समझिएगा, अगर सर मेरे पास 2000 है और 2000 का सर 10% करना है, सर 10% करेंगे मतलब कितना आएगा जी, सर 2000 का 10% करेंगे मतलब 200 आएगा। ठीक है, अब 200 आएगा कितने साल में, एक साल में। ठीक, अब थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। सर हमारे पास जो ऑप्शन दिख रहा है ना, कितना कितना दिख रहा है, 3 साल है, 4 साल है, 2 साल और 5 साल है। सर एक काम समझे, अगर सर ये 200 है 10%, तो सर अगर 3 साल में हम बात करें सर, तो 200 200 अगर हम सर 3 साल की बात करें इस तरह से, है ना, तो 3 बार लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 तिया की 600। सर ये 600 क्या आ जाएगा, सर 600 आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल में हमारा 600 क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब सर अब क्या करना है, बड़ा आसान सा काम है। यहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपका 3 वर्ष आएगा आंसर। कैसे आएगा ना, क्योंकि अगर आप 4 साल ले लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर आप ऑप्शन बी को प्रेफर करते हैं, तो सर अगर 1 साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट जब 200 बन रहा है, तो भाई साहब 4 साल में तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 800 हो जाएगा। सर ये तो 800 ज्यादा हो गया, ये तो होगा ही नहीं, पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ऐसे खत्म हो जाएगा। बात 2 साल का है, सर 2 साल का अगर हम देखें तो सर सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा, 400। सर ये तो काफी पीछे है सर सिंपल इंटरेस्ट। हम कंपाउंड बात ही नहीं कर रहे, हम सिंपल की बात कर रहे हैं, सिंपल से ही आप इसको पकड़ लेंगे यूं ही एक झटके में, और ना मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, अब सर 2 साल वाला ढेर सारा कम रह गया, और जब 4 साल वाला ज्यादा हो गया सर, तो 5 साल वाला तो ऐसे ही खत्म कर देंगे, 5 साल वाला खत्म, 4 साल वाला खत्म, 2 साल सर बिल्कुल कम रह गया उसको खत्म। डायरेक्ट यहाँ पे आंसर प्रेफर करेंगे 3 साल को। अब सर वाकई में सर सही तरीका तो बना के दिखाइए सर, इसका सही आंसर क्या होगा वो तो दिखाइए। आइए दिखाते हैं, 3 साल में कैसे सेटिस्फाई करेगा, अगर इसके हिसाब से फिर से यहाँ हम अगर कितना लेंगे 10%, तो ये हमको 20 रुपया देगा। ठीक, अब इसके पास आएंगे तो इससे इससे होगा, फिर यहां से होगा, फिर यहां से भी होगा। ठीक है, ये हमको देगा फिर से यहाँ पे 20, ये हमको देगा 2, और ये भी हमको देगा 20। देख लीजिए सभी को ऐड करके, आप क्या देख पाएंगे, सर 200 वाला हमारे पास 3 टाइम्स दिख रहा है, प्लस 20 रुपया वाला भी 3 टाइम्स है, प्लस 2 रुपया सिंगल दिख रहा है, सभी को ऐड करेंगे भाई साहब 662 आ जाएगा। लेकिन सर एक कैलकुलेशन को हम पूरा कंप्लीट ना करें तो भी हमारा काम यहाँ पे बन जा रहा था। हम डायरेक्ट बिना बनाए डायरेक्ट एलिमिनेट करेंगे और चीजों को हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक, आई होप कहानी समझ में आया होगा आप लोगों को। यहां पे हम किसी तरह का कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। क्लियर है, चलिए अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 मस्त क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
चलिए फास्ट बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चंस काफी मजेदार है ना। सही समय के साथ जिनका आंसर आएगा वाकई में उनका तैयारी बहुत मस्त ढंग से चल रहा है। चलिए टाइम आपका फिनिश हो गया है। देखिएगा कहानी बहुत आसान है। कैसे आसान है उसको समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। कहानी आसान इसलिए है कि अगर आप यहाँ पे एक बात समझिएगा सर, कोई भी पैसा होगा, कितना पैसा पता नहीं सर, वो स्टार्टिंग का हमसे पूछा है राशि, राशि स्टार्टिंग में मान लेते हैं पी होगा, और सर ये 3 वर्ष में, कितना वर्ष में, 3 वर्ष में हो जाता है 8028, और बोला है 6 वर्ष में, मतलब 3 वर्ष यहां से और इसके जस्ट 3 वर्ष आगे बढ़ेंगे यहां से, फिर से 3 वर्ष है ना, और ये हो जाता है फिर से 12042। अब सर कहानी ये है कि इसको अगर हम सॉर्ट आउट करें एक हालात से, समझिएगा थोड़ा सा सर, इसको हम सॉर्ट आउट करें तो हमारा रेशियो क्या बनेगा। 3 3 साल का दोनों रेशियो है सर, ये बनेगा 2:3। कैसे बनेगा, आप काट लीजिए यहाँ पे 4014 के साथ, ठीक है। जब 4014 से काटिएगा ना तो ये बन जाएगा आपका 2:3 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, ठीक है सर, ये तो बढ़िया है। अब फिर से समझिएगा, अगर सर यहाँ पे 3 साल में जब वैसा है तो सर इधर वाला क्या बनेगा, तो सर यहाँ वाला मतलब ना यहाँ पे एक रेशियो ऐसे बनेगा, इधर लिख देते हैं, एक रेशियो आपका बन जाएगा यहाँ पे पी बटा बन जाएगा 80:28 बराबर, अगला रेशियो बन जाएगा आपका 2:3 बन जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 14 यानी कि 2 40 12, देखेंगे 3 से यहाँ कटेगा यानी 3:2 बनेगा और फिर से इतना बटा इतना बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, 3 1 3 कटेगा, 8 2 10, 10 8 18, हाँ ठीक है, 3 से काटिए इसको, 3 दुना क्या होगा, 25 तिया 75, 25 तिया 75 हो जाएगा 5, 25 3 8 24, 1 3 6 18, यानी कि 2586 हो जाएगा। जब इसको डायरेक्ट इंटू करेंगे, क्रॉस इंटू कराएंगे सर, हमको मिल जाएगा कंप्लीटली यहाँ पे, सॉरी 25 नहीं 6 होगा यहाँ पे 26 होगा, जब इसको इंटू कराएंगे ना तो आ जाएगा हमारा 5300, हाँ देखेंगे यानी कि 6 दुना 12 का 2 हो जाएगा, 8 दुना की 16 और 1 17, एक मिनट रुक जाइए, 26 दुना 52, 8 दुना 16, 1 17, 26 दुना 52, 53, 53 ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है ना, एक मिनट देखिए कहीं सॉर्ट आउट करने में लगता है मिस्टेक हुआ है, देखिए फिर से जब काटेंगे हम 3 के साथ तो क्या होगा, 25 नहीं 26 बार में कटेगा, 26 तिया क्या होता है 78 होगा, 2 बचेगा 22, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है, और 1 बचेगा 3 6 18, चलिए अब सही है। अब इसको अगर पी के साथ गुना करा दे, क्रॉस इंटू 2 6 12 का 2 हो जाएगा, 2 7 14 1 15 का 5 हो जाएगा, और 26 दुना 52 1 53 आ जाएगा, यानी 53052 आ जाएगा, ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, 53052 यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, हाँ बिल्कुल आंसर आ रहा था। रूबी कुमारी जी गुड इवनिंग, एंड दीपक जी का ऑप्शन ए है, ठीक है, महेंद्र जी का भी ऑप्शन ए है, चंदन कुमार गुड इवनिंग, चलिए ओके, ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। और अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट
रीना कुमारी जी, गुड इवनिंग। चलिए बनेगा। सवाल है ना कि 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किए जाने पर कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 21,952 हो जाएंगे। ठीक है, 3 वर्ष में उतना बना लेना है। अब बताना है कि कौन सा रेट यहाँ पे होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्लियर? देखिएगा सर, एक बात बताना है कि आखिर स्टार्टिंग टाइम में जो हमारा जो यहाँ पैसा था सर, वो था कितना? प्रिंसिपल था 15,625, वो हो कितना गया? 21,952, है ना? दोनों में कितने का डिफरेंस है? आइए पहले डिफरेंस पता करते हैं सर। ये है 21,952 और पहले था सर 15,625। एक अब सर, अच्छा एक काम देखिए, इसको ना ऐसे नहीं, इसको दूसरे तरीका से बना दे रहे हैं। रुक जाइए, बड़ा आसान तरीका से बन जाएगा, देखिएगा। देखिए 21,952 है और एक है आपका 15,625। टाइम देखिए, यहाँ पे कितने साल का टाइम है सर? टाइम है 3 वर्ष का, इसलिए यहाँ पे सबका हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। ऑप्शन बी होगा आप लोग का? अच्छा ठीक है, अगर ऑप्शन बी होगा तो हम बता दे रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट क्या होगा, जल्दी से सब बताइए तो क्या होगा, है ना? इसका जो क्यूब रूट अगर हम निकालें तो क्यूब रूट क्या होगा? बड़ा आसान तरीका है इसका बनाने का, इससे आसान और नहीं हो सकता है कुछ भी। अगर आप इसका क्यूब रूट देखेंगे ना तो सर आ जाएगा इसका 26 और इसका आ जाएगा 25। हो गया आसान सर, क्यूब रूट कर दिया यानी 26 और एक हो गया 25 हो गया, बिल्कुल। अब कहानी यह है कि सर ये 25 से क्या बन गया? 26। 25 से क्या बन गया? 26 बन गया। ठीक है, सही है ना? बताइए जल्दी से, क्यूब रूट 26 आएगा या नहीं आएगा? सॉरी, 26, 25 चार 29, 26 नहीं होगा, इसका 29 होना चाहिए, है ना? 29, 8, 2, 9, 9, 81, 9 आ जाएगा। नहीं, 29 भी नहीं होगा। 1 मिनट रुक जाइए, इसका क्यूब रूट लगता है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। 4 3 यानी कि 28, 8 8 64, 64 4 8 32। हाँ बिल्कुल, 28 का यानी कि बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। गलती यहाँ पे है, ये 28 होगा। अब जब 28 होगा मतलब ये है ना कि सर 25 से क्या बन गया? 28। ठीक है, जब 25 से 28 बन गया तो कितना एक्स्ट्रा हुआ सर? 3 एक्स्ट्रा हुआ। किस से? 25 से। प्रतिशत के लिए 100, 25 चौके 100 और 4 तिया की 12। देखिए 12% आ गया आंसर, है ना? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। बनाने का मस्त तरीका है, टाइम था 3 साल, इसलिए इसको क्या निकाल दिए? क्यूब रूट निकाल दिए। ठीक है, टाइम 3 साल था इसलिए क्या निकाल दिए? क्यूब रूट निकाल दिए और एक झटका में निकल गया जो 21,952 है,
ये 28 का क्यूब होता है और 15,625 है जो वो 25 का क्यूब होता है। इसका सेंस ये होता है कि सर 25 रुपया प्रिंसिपल था है ना, और अमाउंट हो गया सर 28 रुपया। और आपको पता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो होता है क्या, इंटरेस्ट होता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा यहाँ पे 3। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बताइएगा 7 का आंसर क्या होगा। फास्ट चलिए बताएंगे 7 नंबर का क्या होगा। हाँ इसका ना बड़ा मस्त इसका आंसर होगा और बनाने का तरीका भी इसका बहुत मस्त है, बट आप लोग बताएंगे पहले कितना आएगा और कितने लोग का सही होगा। एक बार सभी को सेशन को शेयर कर दीजिए है ना, जो भी क्लासेस से ज्वाइन हुए हैं एक बार कम से कम सेशन को लाइक कर दें, एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सेशन को शेयर कर लें। चलिए बताइएगा। चलिए टाइम फिनिश हो गया ना। देखिए इसका बनाने का तरीका क्या है ना, सही वे में इसका तरीका क्या होगा। सर हमारे पास यहाँ पे 10,000 रुपये है ना, कितना रुपए है 10,000, और उसका 14% प्रति वर्ष की दर से 2.5/7 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से क्या है, संयोजित होता है। बढ़िया है। अब सर जब यहाँ पे हमारे पास 10,000 रुपया है, समझिएगा सर 10,000 है सर, यहाँ पे 2 वर्ष से क्या है, 2 वर्ष से ज्यादा है सर यहाँ पे टाइमिंग, 2 वर्ष है ना, 2.5/7 है, मतलब इसको हम डायरेक्टली 2 वर्ष से जैसी बेसी है ना, हम यहाँ पे 3 को हाथ बनाएंगे। कैसे हाथ बनाएंगे समझिएगा, ये पहला हाथ, दूसरा हाथ, ये रहा आपका तीसरा हाथ। अब 2 साल जो परफेक्ट है ना उस पे हम 14% के हिसाब से काम करेंगे। किस पे, 2 साल पे। और जब 2 साल पे हम 14% सर, मतलब इस पे 14% होगा, इस पे भी आपका 14% होगा। अब सर जो तीसरा परसेंट वाला जो हाथ है, तीसरा जो हाथ है तीसरा वर्ष वाला, उसको क्या करेंगे, तो सर पहले जो आपका 14% रेट दिया है ना, उसको जो टाइम जो एक्स्ट्रा वाला जो दिख रहा है 5/7, उसको से ऐसे शॉर्ट आउट करेंगे, तो 2 बार में वो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, इसलिए हम इस पे 10% निकल लगाएंगे है ना सर। 2 साल यानी पहला साल और दूसरा साल हम बात करेंगे 14% पे, और तीसरा साल हम बात करेंगे 10% के हिसाब से। कारण कि सर यहाँ पे परफेक्ट तीसरा साल मतलब 3 साल कंप्लीट नहीं है। अब एक बात बताइएगा आप लोग कि यहाँ पे सर 14% हम करें कितने का, 10,000 का 14% करें, तो आप लोग को बताया गया होगा और नहीं भी बताया गया होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा आपका 10,000 और इसका जब 14% करना है तो सर 14% मतलब 2 जीरो नीचे, सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 14 से 100 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 1400 मिलेगा सर, यहाँ पे मिल जाएगा 1400, यहाँ भी मिल जाएगा आपका 1400। अब सर इसका 10% निकालेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, अब क्या कहानी होता है, आपको पता है ना पीछा करने वाला हम कहानी सिखाए थे, पहला वर्ष वाला पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे आपका कोई पीछा कर रहा है, तो बोलेगा नहीं मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा है। दूसरा वर्ष वाला पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे आपका कोई पीछा कर रहा है, बोलेगा हाँ पहला आदमी है जो हमारा पीछा कर रहा है। और हम बोलेंगे जब पीछा कर रहा है ना तो इसे हम 14% इंटरेस्ट लेंगे। अब बताइएगा आप ही लोग कि अगर यहाँ पे जो 1400 है ना, 1400 का अगर आप निकालेंगे ना 14% तो आएगा 196। कितना आएगा, 196 आएगा। ठीक, दूसरा आदमी से बोलेंगे और कोई है आपका पीछा करने वाला, बोलेगा नहीं अब मेरा कोई पीछा नहीं करने वाला है।
हम बोलेंगे चलो बढ़िया बात है, अब हम बात करेंगे तीसरा आदमी से, पूछते हैं भाई साहब आपका क्या हाल चाल है। तो तीसरा वर्ष वाला बोलेगा ना कि भैया मेरा तीन लोग है जो पीछा कर रहा है, कौन कौन ये देखिएगा, पहला आदमी तो ये है, दूसरा आदमी तो सर ये है, और तीसरा आदमी देखिए ये भी है सर, ये भी हमारा पीछा करता है कभी कभी। लेकिन तीसरा वर्ष पे देखेंगे कितना का रेट लग रहा था, 10%। सर हर जगह हम 10% की बात करेंगे, सभी के पास 10% की बात करेंगे तीसरा वाले के लिए। अब अगर हम ये 1400 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 140, और 196 के निकालेंगे तो हो जाएगा 19.6। और फिर से अगर पहला वर्ष वाला जो 14 दिख रहा है ना उसके लिए निकालेंगे तो फिर से हो जाएगा 140। कंप्लीट जब आप इसको जोड़िएगा तो आप देख पाएंगे कि सर 1400 वाला जो है वो 3 टाइम्स दिख रहा होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमारे पास सर यहाँ पे दिख रहा होगा 140 वाला कितना बार है, सर 140 वाला हमको 2 बार दिख रहा है, यानी कि 140 गुने 2 कर देंगे और इसके सिवाय 196 होगा, और प्लस में सर 19 दशमलव क्या है 6 है। सभी को अगर हम कंप्लीट यहाँ पे ऐड कर लें ठीक है, तो आएगा हमारा अप्रोक्स में यहाँ पे 42,096 आएगा, है ना, सॉरी 42,000 नहीं 4296 आएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। इसके बावजूद भी अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो आप लोग बताएंगे कि किस जगह पे आप लोग को समझने में दिक्कत आ रही है। क्लियर? दीपक जी ऑप्शन डी कैसे हो जाएगा? हाँ दीपक जी डी कैसे हो जाएगा एक बार अच्छा चेक कर लीजिए। सॉरी 14 तीन बार नहीं है, 2 बार है, और एक बार 1,000 है। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, डाटा हम उल्टा लिख दिया ना। देखिए यहाँ पे 1400 2 बार है ना, 1400 2 बार है, प्लस में आपके पास 1,000 है, प्लस में आपका 196 है, प्लस में आपका 140 2 बार है, और तब है आपका 19.6, है ना। ये सब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 4296 आएगा। क्लियर? चलिए देख लीजिए दीपक जी, कहीं ना कहीं आपका डाटा मिस्टेक है, क्योंकि कंप्लीट 3 साल नहीं बोला गया है हमसे, 2 वर्ष 5/7 है। ठीक है, ये होगा नहीं, अच्छा सा चेक कीजिए दीपक जी, ये नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ऐड कर लीजिए अच्छा से, ऑप्शन ए नहीं होगा दीपक जी यहाँ पे, है ना, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। चलिए 7वें नंबर, सॉरी 8वें नंबर का इसका बनाइए, सही आंसर क्या होगा। हो गया,
10%, है ना? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आ रहा है दीपक जी का 10%, यानी ऑप्शन नंबर सी। और लोग बताएंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ना बड़ा आसान तरीका से बन जाएगा आपका। सवाल ये है ना कि 3 वर्ष में कितना हो गया। यहां भी कोई स्टार्टिंग में पी रहा होगा, क्या रहा होगा? पी है सर। 3 वर्ष में क्या बन गया? 66,550। ओके, फिर बोला है कि यहां से 4 साल में, 4 साल मतलब कि यहां पे 1 वर्ष और बचा हुआ है, ये हो जाता है 73,205। क्लियर? अब बोला है कि वार्षिक ब्याज दर है ना प्रतिशत कितना है। एक बात बताएं, जब 1 वर्ष का डिफरेंस है ना, इसको डायरेक्ट उड़ा दीजिए अनुपात में, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 11। ठीक है, जब ये 10 और ये जब 11 बनेगा ना, तो आप क्या देखेंगे कि सर 10 से जो 11 हो गया, ये कितने का वृद्धि हुआ? 1 का। और यही हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 1। तो सर जब 1 बढ़ा है ना, किस से बढ़ा? 10 से। प्रतिशत के लिए 100 के साथ गुना, 1 0 से 1 0, डायरेक्ट आ गया 10%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। रामजी जी बिल्कुल सही है आपका भी। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और इसको बताएंगे सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट हो गया। फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले किनका आंसर आता है। वैसे आपके पास मात्र 12 सेकंड बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक दीपक जी का 8,000 आ रहा है ना? और कोई बताइएगा। ठीक चलिए आइए समझते हैं। अगर आप लोग बाई ऑप्शन ही उड़ाना चाहते हैं तो आइए बाई ऑप्शन ही उड़ा देते हैं। अगर आप लोग मान लेते हैं कि सर ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है, और टाइमिंग दिया हुआ है आपको अगर 3 वर्ष, तो सर इसमें जब 3 वर्ष का टाइमिंग है, अच्छा हेमंत जी का ऑप्शन डी आ रहा है यहाँ पे, चलिए हम सब पे ट्राई कर देंगे। ठीक है, पहले बाई ऑप्शन उड़ा लेते हैं फिर इसको बेसिक देख लेंगे। अगर सर 3 वर्ष की तो बात है ना? हाँ सर 3 वर्ष की ही बात है। जब 3 वर्ष की बात है तो तीनों पे 10-10% लगाएंगे हम, तो सर इसका 10% मतलब 800 है ना, यहाँ भी 800, सर यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा? 800। पहला आदमी क्या कोई पीछा कर रहा है क्या? नहीं। इसको खींच के इसके सामने लाएंगे, बोलेंगे भाई तुम्हारा पीछा कर रहा था, इससे 10% वसूल लो, यानी 80 रुपया वसूल लो। इसका पीछा ये भी करेगा, इसका पीछा ये भी करेगा, और इसका पीछा ये भी करेगा। सबसे अगर 10% वसूलें, ये 80 रुपया देगा, ये 8 रुपया देगा, ये फिर से 80 रुपया देगा। क्लियर? अब एक बात बताना होगा कि अगर सर आप यहाँ पे प्रिंसिपल को अगर आप 8,000 मान रहे हैं, ठीक है,
और अमाउंट अगर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बोल रहा है कि 10,648 है, तो सर यहाँ से जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 2,648, है ना? क्या बनेगा? 2,648 बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या सर यहाँ से मिल जाएगा? आइए चेक करते हैं। सर 800 हमको कितने बार दिख रहा है भाई साहब? 3 बार। ठीक है, 80 80 कितने बार दिख रहा है? सर ये भी 3 बार। और 8 कितना बार दिख रहा है? तो सर 1 बार। बढ़िया है। अब 8 तिया की हो जाएगा 2,400, और 8 तिया की 24 यानी कि 240, आप प्लस में 8, है ना? आप देख पाएंगे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 2,400 2,2,648। हाँ बिल्कुल सर, ये सेटिस्फाई कर गया, और सेटिस्फाई कर गया तो ये हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चले आगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, और इसको बताएंगे आंसर क्या होगा। बनेगा? मजा नहीं आ रहा है जी। हाँ मजा चाहिए आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे, ब्याजों का ब्याज लगता है, मजा चाहिए। नहीं बनाना है यहाँ पे आंसर? देखिएगा इसको ना थोड़ा अलग ढंग से बनाएंगे, और थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, कैसे लंबा जाएगा और इसका सही तरीका क्या होगा वो आप ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। मिलेगा महेंद्र जी, बिल्कुल मजा आएगा, है ना? सॉल्यूशन भी देंगे, कैसे क्लासेस में मजा आता सब पता होता है हम लोग को, बट पहले थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, इसके बाद बिल्कुल आपको मजा आएगा। समझिएगा सर, हमारे पास 18,000 रुपया है, और रेट कितना है? 10%। ठीक है, हमसे बोला है कि तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है ना? तीसरे बोला है और चौथे बोला है। अब सर सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा सर, तीसरे और चौथे वर्ष निकालेंगे कैसे, उसको ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा, वरना दिक्कत हो जाएगा फिर। आइए स्टार्ट करते हैं। सर अगर ये रहा हमारे पास 18,000 टोटल रुपया, सर यहाँ पे 3 गो हाथ लगाएंगे, सॉरी 4 गो, 3 गो नहीं 4 गो लगाएंगे। ठीक है, पहला हाथ को पहला वर्ष समझेंगे, दूसरा हाथ को दूसरा वर्ष, तीसरा हाथ को तीसरा वर्ष, और चौथे हाथ को चौथा वर्ष समझेंगे। सब पे 10% के हिसाब से अगर हम लगाएं सर, तो 18,000 का 10% हो जाएगा 1,800। ठीक है सर, सब जगह 18 1,800 लिख लें, एकदम लिख लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। यहां भी लिख लेते हैं 1,800। अब सर पहला आदमी का कोई पीछा कर रहा है क्या? तो नहीं। दूसरा आदमी का तो हाँ पीछा कर रहे हैं, तो चलिए इस पे भी अगर हम 10% लगाएं तो मिल जाएगा 180।
ठीक है। तीसरा, आदमी के पास इसको कौन कौन पीछा करेगा? देखिएगा, ये दोनों तो पीछा करेगा, एक ये आदमी भी इसको पीछा करेगा। अगर सर 1800 वाले को, ये कितना रुपया देगा इसको? 180। ये देगा 18 रुपया और वो देगा फिर से आपका 180। ठीक है सर, तीन आदमी से निपट चुके, अब बारी है सर चौथा वर्ष का। चौथा आदमी से पूछा जाएगा, आपका कोई पीछा कर रहा है? कि बोलेगा, भाई हम कितने लोग का नाम बताएं, मेरा पीछा करने वाले एक नहीं बहुत लोग है। ठीक है, एक नहीं बहुत लोग है मेरा पीछा करने वाला। ये बात कौन कहता है? चौथा वर्ष। कौन कौन है भाई? देखिए, सबसे पहले तो सर ये पीछा करेगा, ये भी पीछा करेगा, इसके पीछे वाला आदमी पीछा करेगा इसका, ये वाला भी है ना, फिर ये आदमी पीछा करेगा, इसके पीछे वाला ये आदमी भी पीछा करेगा, और ये आदमी पीछा करेगा, और पीछे का पीछे वाला भी पीछा करेगा। मतलब बहुत खतरनाक तरीका से इसका पीछा हो रहा है, बाप दादा नाती सब पीछा करने में लगा हुआ है। क्लियर? अब समझिए सर, ये 1800 वाला कितना देगा? तो सर 1800 वाला आपको देगा यहाँ पे 180। 180 वाला देगा 18, 1800 वाला फिर से देगा आपको 180, 18 वाला देगा आपको 1.8, और 180 वाला देगा 18, फिर से 180 वाला देगा 18, और पीछे से फिर से है 1800, वो देगा आपको 180। है ना, पीछा करने वाला कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गया। अब सर समझिएगा, तीसरे वर्ष और चौथा वर्ष का कहानी कितना खतरनाक है उसको। सर तीसरा वर्ष मतलब सर इस वाले को पूरा ऐड करना होगा, तीसरा हैंड वाले को, और फिर से सर यहाँ पे चौथा वर्ष वाले को ऐड करना होगा। ठीक, और ऐड करने से बचने का एक उपाय है, हमको अंतर ही तो पता करना है ना, तो अंतर पता करना है ना, तो देखिएगा अंतर हम कैसे यहाँ पे पता लगा लेंगे, वो भी एक झटके में बड़ा आसानी से। देखिएगा, ये वाला 1800 से ये वाला 1800 काट दीजिए, 180 से ये वाला 180 को काट दीजिए, एक वो 18 से एक वो 18 काट दीजिए, फिर 180 से 180 काट दीजिए। अब इसके बाद जो बच गया वो सबको जोड़ लीजिए। ठीक, तो आप क्या देखिएगा सर, 180 और 18, 18 दो बार दिख रहा होगा, 18 दुना की 36 हो जाएगा, और 37.8, यानी कंप्लीट सर 180 में हमको जोड़ना है 37.8 जोड़ दीजिए, समझ में आ जाएगा। 8 का 8 हो जाएगा, 7 का 7 होगा 21, 18 दिन क्या हो जाएगा 21, यानी कि 217.8, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? यहां पे क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आपका 217.8, यानी कि 80 कह सकते हैं आप। क्वेश्चन काफी क्रिटिकल था ये, ठीक है, और काफी इसको मतलब सही ढंग से बनाया गया है, बस इतना ध्यान रखिएगा पीछा करना पड़ेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, थोड़ा सा दिमाग को दही करेगा, समझना तो पड़ेगा इसको बारीकी से। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्ट नहीं होता है। अब देखिए, इस प्रोसेस से बनाने का फायदा क्या है? क्या कोई आप में से है जिनको डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो तीसरा वर्ष और चौथे वर्ष का डिफरेंस निकालने का? नहीं होगा। अगर यहां से फायदा यही है ना कि जब तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष को बोला तो हम सर डायरेक्ट खाली तीसरा वर्ष लेंगे और चौथा वर्ष लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस दे करके। देखिए याद रखिएगा, सीजीएल से नीचे वाले एग्जाम में ये पूछेगा ही नहीं। क्या बोले हम? सीजीएल से नीचे वाले एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चंस पूछेगा ही नहीं, जब भी पूछेगा सीजीएल में ही पूछेगा। ठीक है, यहां पे कभी ये भी पूछा जा सकता था कि दूसरा वर्ष और चौथा वर्ष में अंतर क्या होगा, तो इसी प्रोसेस से आपको बनाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि दूसरा वर्ष और चौथा वर्ष में अंतर क्या होगा। एक बात और बता रहे हैं कि यहाँ पे दो बातें आती है, एक होता है 3 वर्ष और एक होता है तीसरा वर्ष। क्या बोले? एक होता है 3 वर्ष और एक होता है तीसरा वर्ष, दोनों में काफी फर्क होता है। हमसे अभी क्या डिफरेंस पूछा गया था? हमसे डिफरेंस पूछा गया है तीसरा और चौथा में, है ना, 3 वर्ष में नहीं पूछा गया है, तीसरा वर्ष बोला गया है, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर हमसे पूछता कि 3 वर्ष और चौथा वर्ष, तो 3 वर्ष बोलता ना,
तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, सबको जोड़ना पड़ता और तब जाकर के चौथा वाले को सिर्फ माइनस करते। तो इस बात पे भी ध्यान रखिएगा कि 3 वर्ष और तीसरा वर्ष में काफी फर्क है। 3 वर्ष बोलेगा मतलब स्टार्टिंग का तीनों लेना होगा, तीसरा वर्ष बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ तीसरा वाले हाथ को लेना होगा। क्लियर? चलिए अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट, हाँ चलिए दीपक जी का ऑप्शन सी आ रहा है, चलिए बढ़िया है, बताइए इसका क्या होगा। ग्यारह नंबर का बताइए। हाँ बनेगा, देखिए बताइए जल्दी से। हाँ चलिए, तो यहां पे दीपक जी का ऑप्शन बी आ रहा है, यानी 2 साल आ रहा है। हो गया, चलिए आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। सवाल ये है ना कि 320 की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 405 हो जाएगा। बड़ा आसान है ना, यानी कि सर हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 320 और 405 हो जाएगा, मतलब अमाउंट बोला है कि 405 हो जाएगा। आप देखेंगे सर कितना का वृद्धि हो गया है ना, तो आप देखेंगे सर 85 की वृद्धि हो गई, और यही 85 हमारा क्या कहलाएगा, सीआई कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। और वो भी रेट हमारा दे दिया है यहाँ पे कितना परसेंट, रेट दे दिया है हमारा यहाँ पे 12.5%। कितना परसेंट, 12.5% हमारा यहाँ पे रेट दिया हुआ है। अब सोचिए कि सर अगर 12.5% के हिसाब से कितने वर्ष में है ना 85 रुपया हमको कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, वो भी 320 रुपए पे। आइए यहाँ पे आप लोग का आंसर बी आ रहा है, यानी कि 2 साल है ना। आइए 2 साल को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। सबसे पहली बात कि अगर सर 320 रुपया है और 12% की कहानी है, मतलब 12.5% की कहानी है, क्या सर 2 साल में सेटिस्फाई हो जाएगा। आइए बात करते हैं, 320 पे अगर 12.5% निकालेंगे तो एक बात बताइए काफी लोग, चलिए यहाँ पे साइड में निकाल के दिखा दे रहे हैं कि 320 का 12.5% होता कितना है। सर 12.5% सर डेसिमल हटाएंगे तो 125 हो जाएगा, परसेंट के बदले सर यहाँ 100 आता है, डेसिमल हटेगा 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक, सॉर्ट आउट करेंगे ना तो सर 1/8 आ जाएगा, और इसको जब 8 से काटेंगे 8 चौके 32 यानी 40 आ जाएगा। ठीक है, अगर सर यहाँ पे हमको 40 रुपया मिलेगा तो अगला बार में कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। ठीक है सर, अब सर इसके बाद इसमें भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, तो हाँ इसमें भी लगेगा कितना परसेंट, यहाँ भी लगेगा सर 12.5%। अब बताइएगा कि सर अगर हम 40 का अगर हम 12.5% निकालें तो 12.5% का मतलब ही होता है डायरेक्ट 1/8, और 8 × 5 = 40, यानी सर यहाँ से 5 रुपया इंटरेस्ट मिल जाएगा। हमको पता है बड़ा आसानी से सेटिस्फाई तो हो गया सर, सीआई बराबर 40 40 हमको 2 बार दिख रहा है सर, 2 से गुना कर देंगे और 1 बार 5 दिख रहा है, 40 दुना 80 और 5 क्या हो गया 85। ये बातें हमारा सेटिस्फाई कर गया,
सर कंपाउंड इंटरेस्ट हमको 85 था, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया यहां तक? चलिए ओके, ये बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट जल्दी से बताएंगे, हो गया। किन्हीं का आंसर आया? दीपक जी का कितना आ रहा है? केमिस्ट्री कब से होगा? राम जी, कौन सा केमिस्ट्री? अच्छा दीपक जी का यहाँ पे 3200 आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है, और रामजी जी का भी ऑप्शन डी आ रहा है, यानी 3200 आ रहा है ना। सवाल बड़ा आसान है, लिखा हुआ है कि यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, तो राशि समतुल्य है, यानी कि राशि किसके बराबर है, किसके इक्वल है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेना होगा यहाँ पे कि सर 5% की जब हिसाब से बात हो रही है, वो भी कितना, 2 वर्ष के लिए हो रही है, तो आपको तो अभी जस्ट सिखाया गया था ना, जब 2 वर्ष के लिए बात हो तो ये 5% 5% नहीं रह जाता, क्या हो जाता है भाई? सिखाए थे पहले कि 5 + 5 दो बार ऐड करते हैं और 2 बार इसको गुना करते हैं, बटा में क्या हो जाता है, 100, और सब कंप्लीट बन जाता है, 5 + 5 = 10 बन जाता है, और 10 + 10 हम लोग क्या बन जाता है, 2 = 5 बन जाता है, ऐसा रेट बन जाता है ना। तो अब सोचेंगे, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन डी होगा, तो आइए डायरेक्ट उसी को सेटिस्फाई करा देते हैं कि सर अगर 3200 होगा है ना, तो क्या सर 3200 का 10 दशमलव, यानी कि कितना है, हाँ तो 110.25% हो जाएगा क्या उतना, है ना। तो सर एक काम कर ले, पहले तो सर 2 जीरो से 2 जीरो शॉर्ट आउट हो जाएगा, अब सर डायरेक्ट अगर गुना करना होगा तो कैसे गुना करेंगे सर, क्या इसको गुना करने में 328 आ जाएगा? सर यहाँ पे डेसिमल उड़ाएंगे तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 और आएगा ना नीचे, 100 हो जाएगा। अब सर इसको गुना करना पड़ेगा, अगर आप गुना करते हैं 12th का केमिस्ट्री, अच्छा 12th का केमिस्ट्री करना है आपको यहाँ पे, बताइए होगा, टेंशन नहीं लेनी है, सॉरी 110 नहीं, यहाँ पे ये भी एक मिनट, यहाँ पे गलती हुआ है, ये तो सिर्फ 10.25 होगा ना, है ना, डाटा थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे मेरा तो सिर्फ 10.25 पे काम होगा, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी इसको कंपाउंड बना चुके हैं, इसको ऑलरेडी हम कंपाउंड बना चुके हैं, है ना। देखिएगा तो सर यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या था, रेट मेरा 10.25% के लिए तो आएगा ही ना, जब इसको आप, ये तो कट गया था ऑलरेडी,
जब इसको हम शॉर्ट आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 328। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, सर सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया मतलब कि ऑप्शन डी क्या है आपका, सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ओके चलिए, अब ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चंस, इसको बताइएगा क्या होगा आंसर। चलिए इसको हम लोग ना होमवर्क रख लेते हैं, आप लोग घर में कीजिएगा इसको। और ये रहा 14 नंबर, इसको भी होमवर्क रख लेते हैं, ये दो क्वेश्चंस आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, और कल करेंगे इसका हम लोग पार्ट टू, कल करेंगे पार्ट टू हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का, सीआई का, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कल रात्रि के 8 बजे। ओके।